आपने प्यार की कई कहानियां सुनी होंगी और देखी होंगी। घर वालों के खिलाफ जाकर प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के बाद पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कई प्रेमी जोड़े की खबरें आपने पढ़ी भी होंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्यार की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसमें प्यार किया है दारोगा ने और लड़की के परिजनों के खौफ से वह खुद सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अपने परिवार के खिलाफ जाकर हजारीबाग निवासी रानी कुमारी ने जिसका हाथ थमा वो कोई आम आदमी नहीं है बल्कि चतरा जिले में वर्दी पहनकर ड्यूटी करने वाला दारोगा दीपक कुमार है। दरअसल दोनों के बीच पिछले 3 सालों से प्यार चल रहा था। इस बीच लड़की के परिजन ने उसकी शादी कहीं और करवाने का फैसला ले लिया। इस फैसले के खिलाफ दोनों ने भागकर मंदिर में शादी तो कर ली पर अब एक पुलिस खुद की ही सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। परिवार का गुस्सा देखते हुए प्रेमी युगल कोर्ट में शादी करना चाहते हैं। दोनों ने बोकारो में कोर्ट में शादी करने का फैसला किया है। इधर लड़की के परिजनों ने दारोगा के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। वहीं दीपक का कहना है उन्हें जान का खतरा है इसलिए उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। सर हम लोग 3 साल से रिलेशनशिप में थे इसके पिताजी को ये पहले बोल चुके थे कि हम कहीं और शादी नहीं करेंगे, मेरे बारे में बता चुके थे। मतलब वो 6 महीने पहले पता चला था, जैसा ये बोलते थे कि पापा को बताना है बताना बताई थी। तो पापा इसके जबरन कहीं और शादी सेट कर रहे थे। इसके चाचा, इसके पिताजी, इसके घर वाले सब इसको मार पीट के रोड से ही मारे। अभी भी पीछे में फूला हुआ है ऐसा गर्दन के पास, इसे बोल रही थी। और उसके बाद हाथ में पेचकस डाल करके पूरा उसका हाथ में दबाया है। फिर हजारीबाग में भेंट हुआ तो फिर ये बोली कि चलिए शादी कर लेते हैं। हम बोले पक्का तुम करोगी शादी ना? हम बोले हम करना शादी आप ही से, कहीं घर जाएंगे वापस अगर हम तो वो मार देंगे और आप नहीं रखिए तो हम कहाँ जाएंगे। कहते ना हमको मेरे घर के पास वो लोग घेरा लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। अभी हम कोर्ट के चारों तरफ वो घेर लगा बैठे हुए हैं कि कहीं पहुँचे और कभी भी हम लोग मार सकते हैं। अब वो मेरे धमकी भी दिए हैं कि दोनों को बर्बाद कर देंगे हम। ये मेरा अपहरण नहीं किए हैं, हम लोग 3 साल से एक साथ है और हम साथ रहना चाहते हैं। शादी का डिसीजन पहले मेरा था और ये इनको हम बोले कि अब आप मेरी लास्ट उम्मीद हैं और मुझे आपसे शादी करनी है और आपके साथ रहना है। बहरहाल इतिहास गवाह है कि प्यार करने वालों की राहें आसान नहीं है, वो चाहे आम आदमी हो या खुद पुलिस वाला। उम्मीद की जानी चाहिए कि दीपक और रानी के प्यार को उनके अपनों का भी साथ जल्द ही मिल जाएगा।